नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मंथली आप लोगों को मालूम होगा कि वीडियो परमानेंट पब्लिश होते हैं यहाँ पर, और आप लोगों को जानकारी यहाँ पर दी जाती है किस तरीके से बाजारों में कामकाज मंथली व्यू पे कामकाज होता है, जिसके अंतर्गत आपको खाद्य तेल बाजारों में सारी जानकारी देंगे। खाद्य तेल बाजारों में आपको बताएंगे सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर ऑयल, सारे बाजार को आपको कवर करेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से आप जनवरी मंथ में बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। आज ये 5 जनवरी के दिन वीडियो शूट हो रहा है, 5 जनवरी के दिन हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आपको ये पब्लिश हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर आपको पब्लिश हो जाएगा किस तरीके से बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है, खाद्य तेल बाजारों में आगे आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, बजट का सेशन भी है, मस्टर्ड की क्रॉप आने वाली है, क्या प्रेशर रहेगा, उसका सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर रोजाना सबसे पहले जुड़ के आप हमारे साथ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस पर जाके आप वहां पर डिटेल ले सकते हैं और हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आप जुड़ के अपने सवाल जवाब और अपने मार्केट के ट्रेंड को बाजार खुलने से पहले ही आप वहां पर जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे सोया ऑयल में बाजारों में, विदेशी बाजारों की बात कर लेते हैं, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। विदेशी बाजारों में अगर देखा जाए तो विदेशी बाजारों में आपने देखा है कि विदेशी बाजारों में ब्राजील में बम्पर सोयाबीन की क्रॉप देखी जा रही है, अर्जेंटीना में भी बफर क्रॉप देखी जा रही है, ज़्यादा क्रॉप है उसका इम्पैक्ट। पहले जो खबरें आ रही थी कि आपने आपको मालूम होगा, जो पहले खबरें आ रही थी कि ब्राजील में कुछ मौसम खराब होगा तो वहाँ पर क्रॉप में कुछ कटौती देखी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से नई खबर आई कि वहाँ पर बफर स्टॉक है, तो लगातार आप उसका प्रेशर विदेशी बाजारों के जो प्रेशर है भारतीय बाजारों में साफ साफ देखने के लिए आपको मिल रहा है। सीबॉट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो सीबॉट के बाजारों में आप अगर देखेंगे, सीबॉट के बाजार में आप 45 से 44 सेंट का एक नीचे में सपोर्ट, सीबॉट जो चल रहा है 44 से 45 सेंट का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास से बाजारों में यहां से एक आपको रिबाउंड आता हुआ बाजारों में दिखाई देगा, यहां से आप रिबाउंड होता हुआ आपको दिखाई देकर चल सकता है। लेकिन लंबी चौड़ी आप तेजी की बात करेंगे, यहां से बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी आ जाए तो लंबी चौड़ी तेजी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। तो बाजार अपने बॉटम के आसपास ही टेस्ट कर रहा है, जनवरी मंथ को देखते हुए जिस हिसाब से भारतीय बाजारों में डिमांड है उसको देखते हुए यहां पर कुछ रिकवरी बाजारों में एक्सपेक्टेड देखी जा रही है। ऊपर में जिस हिसाब से अगर सीबॉट की बात करी जाए तो ऊपर में सीबॉट का बाजार 48 से 49 सेंट, टॉप से टॉप बहुत ज्यादा जाता है तो 50 सेंट तक बाजारों में अभी फिलहाल की रंगत को देखते हुए मार्केट में कामकाज करना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं केएलसी के बाजारों में, केएलसी में अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो आप फिलहाल केएलसी का सपोर्ट जो जनवरी में निकल के आ रहा है 3500 रिंगिट का एक रॉक सपोर्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है। 3500 रिंगिट के नीचे केएलसी जाती हुई फिलहाल नहीं दिखाई देगी, 3500 से अभी फिलहाल के लिए 3850 रिंगिट की एक रेंज बाउंड आप समझ लीजिए, इस रेंज में ही बाजारों में कामकाज होगा, 3500 से 3850 रिंगिट की रेंज में आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति, बाजारों में किस हिसाब से बाजारों में आप कामकाज करेंगे, तो पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट पे पामोलिन का बाजार इस समय जो 810 रुपए चल रहा है, आप 800 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, छोटा सा सपोर्ट लगाइए, सिर्फ 780 रुपए का सपोर्ट लगाइए, यहां से अगर बाजारों में अगर ठीक तरीके से करेक्शन अगर मूवमेंट बाजारों में मिलता है तो ये जो 810 रुपए वाला बाजार है 840 से 850 रुपए तक होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आपको हमने जानकारी दे दी पामोलिन कांडला पोर्ट के बारे में। सोया रिफाइंड, इसी तरीके से सोया रिफाइंड अगर आपको खरीदारी करनी है, सोया रिफाइंड 860 रुपए के आसपास से आप कांडला पोर्ट पे खरीदारी करिए, सपोर्ट लगाइए 830 रुपए का। ऊपर में जो लेवल है कांडला पोर्ट का, ये 900 रुपए से 910 रुपए आपको कांडला पोर्ट पे दिखाई देके चल सकता है, इसके अकॉर्डिंग आप कामकाज कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल, इसी तरीके से 850 से 60 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, 830 का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में जो आपको जो रेंज दिखाई देगी, ऊपर में रेंज आपको 910 रुपए से 920 रुपए तक आपको रेंज सनफ्लावर ऑयल में बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। तो बाजारों में जनवरी का महीना कुछ बेटर हो सकता है दिसंबर की अपेक्षा,
अपनी जो हमने सपोर्ट दिया उसके सपोर्ट से खरीदारी करिए। खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, ब्रोकर, एडवाइजर, अपने निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है एजुकेशनल पर्पज से जानकारी दी जा रही है, आपके खरीद बिक्री से, आपके घाटे मुनाफे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चीज को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हमने आपको जानकारी दे दी किस हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सेकंड पार्ट भी हमने आपको बता दिया कांडला पोर्ट पे आप किस तरीके से, अब लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में 88 से 89 रुपए सोया का भाव चल रहा है, 88 से 89 रुपए भाव चल रहा है। आप यहां पर खरीदारी करिए, 86 से 85 रुपीज का लास्ट सपोर्ट लगा के चलिए। बाजार जो यहां पर आपको जो 88 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, ये 92 से 93 रुपए होता हुआ आपको दिखाई दे के चल सकता है। आपको लेवल बता दिया, साफ साफ लेवल बता दिया किस हिसाब से 88 से 89 रुपए के आसपास चल रहा है। 86 रुपए का सपोर्ट लगाइए, 2 रुपए किलो का नीचे में सपोर्ट लगाइए। आपको फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग ही करके रहना है। बाइंग करके ही आपको बाजारों में कामकाज करना है, और बाइंग वही करें जो ऊपर नीचे 1 से 2 रुपए किलो बर्दाश्त कर सके। अननेसेसरी बहुत ज्यादा होल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमने आपको जानकारी बता दी किस हिसाब से आप सोया ऑयल में आप कामकाज करेंगे लोकल बाजारों में। पामोलिन में लोकल बाजारों में 82 से 83 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, सपोर्ट लगाइए 80 रुपए का आप सपोर्ट लगा लीजिए। आप यहां से खरीदारी करिए 87 से 88 रुपए ऊपर में, बहुत ज्यादा 89 से 90 रुपए तक बाजार ऊपर में दिखाई देके चल सकता है। तो जो 84 रुपए चल रहा है 88 से 89 रुपए तक आपको बाजार देखने के लिए मिल सकता है। ये पामोलिन के बारे में, राइस ब्रान ऑयल ऑलरेडी 77 रुपए के आसपास चल रहा है, 77 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। 74 रुपए से 75 रुपए का सिर्फ सपोर्ट लगाइए, 74 रुपए से सिर्फ 75 रुपए का सपोर्ट लगाइए। ऊपर में लेवल 90 से आपको जो अभी 77 रुपए चल रहा है, 81 से 82 रुपए आपको बाजार देखने के लिए मिल सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में राइस ब्रांड में कामकाज करके चल सकते हैं। मूंगफली का तेल की अगर बात करें 1600 रुपए के आसपास चल रहा है, 1580 के आसपास खरीदिए, 1550 का सपोर्ट लगाइए। 1650 तक के मूंगफली के में आपको लेवल दिखाई देकर चल सकते हैं। कार्टन रिफाइंड 840 चल रहा है, 830 पे खरीदारी करिए, 830 पे खरीदारी करिए, 820 रुपए का सपोर्ट लगाइए, 870 से 880 रुपए इसका लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको कॉटन रिफाइंड भी बता दिया, सनफ्लावर ऑयल के लेवल के बारे में, मूंगफली के तेल के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हम सोयाबीन सीड प्लांटों के भाव 4700 रुपए के आसपास है, 4650 से 4600 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करिए। 4500 रुपए का सिर्फ सपोर्ट लगाएंगे, ऊपर में लेवल या 4850 से 4950 रुपए तक आपको लेवल बढ़ के आपको दिखाई देके चल सकते हैं। तो ये भी जानकारी हमने दे दी। जयपुर सरसों की अगर बात करेंगे 5600 रुपए के आसपास चल रही है, 5500 रुपए 50 से 5500 की रेंज में खरीदारी करिए, 5400 का सपोर्ट लगाइए। हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है सरसों में, फिलहाल सरसों की क्रॉप आने वाली है, बफर क्रॉप है। सरसों की क्रॉप पे गिरावट अगर ज्यादा बढ़ी तो यहां पर और पैनिक देखने मिलेगा, लेकिन सरसों की क्रॉप अभी नहीं आ रही है, इस चीज को ध्यान में रखिए। अभी 40 से 45 दिन बाद सरसों की क्रॉप आएगी, उसको समझ के आप लोग कामकाज करेंगे तो बेटर है। ओवरऑल मार्केट में अगर देखा जाए तो बाजारों में एनसीडीएक्स का भी लेवल हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, एनसीडीएक्स में आपको खरीदारी करनी है। 825 में आप सनफ्लावर ऑयल में खरीदारी करिए, 790 का सपोर्ट लगाइए, 875 से 900 रुपए के लेवल सनफ्लावर ऑयल में एनसीडीएक्स में भी दिखाई देकर चल सकते हैं। तो आपको सारे लेवल हमने आपको बता दिए किसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज कर सकते हैं। मस्टर्ड सीड में नई क्रॉप का प्रेशर है, मस्टर्ड में बफर स्टॉक है, फॉरेन से स्थितियां सही नहीं है, उसके बावजूद भी बाजारों में यहां पर अपने एक टेक्निकल सपोर्ट के आसपास होता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करनी है, नहीं पूरी खरीदारी करेंगे, 30 से 40% आप बल्क में आप यहां पर आप अपने बल्क की जगह 30 से 40% आप यहां खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का आउटलुक अगर देखना चाहते हैं, अगर जिनको भी 5 से 6 महीने की होल्डिंग करनी है, बिल्कुल लेवल बेटर है, बिल्कुल आप यहां पर एंट्री आप लेके चल सकते हैं, लेकिन होल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, तब आपको यहां से कम 10% का रिटर्न आपको बाजारों में दिखाई देगा। अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। वो भी हमने आपको जानकारी बता दी कि किसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करेंगे। मार्केट का व्यू हमने आपको बता दिया, सारी जानकारी आपको सोया ऑयल, पामोलिन का बाजार, राइस ऑयल का बाजार,
सनफ्लावर ऑयल, सारी जानकारी हमने इसमें आपको कवर कर दी है, सारी जानकारी आपको बता दी है, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी, इस तरीके का एक्सक्लूसिव वीडियो मंथली पब्लिश होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरूर ध्यान दीजिए। और अगर मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते हैं और मार्केट की जानकारी आप लोगों को प्रॉपर दी जाती है। तो एक्सक्लूसिव वीडियो हमने दे दिया है, किस हिसाब से अकॉर्डिंग में बाजारों में कामकाज होगा, इस चीज को समझ के कामकाज करिए, मार्केट के ट्रेंड को समझ के कामकाज करेंगे। मार्केट में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में बजट भी है, लोकसभा चुनाव भी है मई में, ध्यान रखिएगा 1 फरवरी को बजट आना है, इस चीज को भी ध्यान में रख के कामकाज करिएगा, उस हिसाब से पोजीशन बनाइएगा तो बेटर रहेगा। तो सारी जानकारी हमने दे दी है, अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको दोबारा भी मिलती रहे। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, नए एक्सक्लूसिव वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।